अभी हम जहाँ हैं ये मुंबई का शांति नगर है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको काली पीली या ओला उबेर टैक्सी ही नज़र आएंगी। इसलिए हम शांति नगर से गोरेगांव का सफ़र करते हुए ओला उबेर टैक्सी बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी उबेर टैक्सी बुक करते हैं और जानते हैं कैसा है ये बिजनेस, नए लोगों के लिए किस तरह का है यह बिजनेस। हमें मिल चुके हैं विकास जी, जो करीब 11 महीने से अपनी खुद की उबेर टैक्सी चला रहे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कैसा है ये बिजनेस। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, आपके सारे डाउट ओला उबेर को लेकर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ड्राइवर हैं तो भी आपको जानकारी हो जाएगी किस तरह आप गाड़ी चला सकते हैं और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ओनर बनना चाहते हैं या इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ड्राइवर से गाड़ी चला सकते हैं और किस तरह से अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं और कौन सी गाड़ी लेने पे क्या फ़ायदा है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं विकास जी से। हाँ अच्छा विकास जी, आपको इतना समय हो गया है, कितना 11 महीने हो गए, कुछ ऐसा हुआ है क्या कि जो मतलब ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे ओला उबेर नहीं चलानी चाहिए या ऐसा? कुछ नहीं हो गया है कि आदमी को एक काम करते करते थोड़ा सा मन भर जाता है। मन अच्छा, मन भर जाता तो भर गया है आपका मन। भी भर जाए मतलब क्या करोगे, अभी उसी लिए तो गांव जाते। हाँ हाँ सही है, थोड़ा चेंज होने के लिए। अभी ये पैर वगैरह सब दर्द करने लगता, प्लस मेरी फलस भी मन में जाते, तो ठीक करने के लिए 1 महीने के लिए छुट्टी मांगता। अच्छा ठीक नहीं सही है, तो कितना मतलब इसमें आमदनी हो जाती है, कैसा है धंधा? मतलब दोनों टाइम आप ही चलाते हैं कि एक टाइम कोई और चलाता है, एक टाइम है। ऐसा नहीं भी होता रात है? में ड्राइवर है मेरा, रात में ड्राइवर है, गाड़ी खुद अभी का है? क्या सामने आता अच्छा, नहीं, तो ड्राइवर तो कितना, 350 कि 400 क्या रहता है? अच्छा मैं उसको 50-50। अच्छा 50-50 पे जो भी कमाई होगी 50-50। हाँ इसमें एक इंसेंटिव भी आता है, हाँ इंसेंटिव का कैसे करते हैं? इंसेंटिव अभी तो चल रहा है 150 ट्रिप पे 5500 रुपये, अच्छा 150 से 5500, तो वो भी आधा आधा करते हैं कि वो नहीं? तो वो अच्छा मतलब सब तो आधा। अपने ऊपर बात करते हैं पैसे से। तो अगर दो सीन है ना इसमें, क्या क्या? अगर आप अभी 450 रुपये देते रात का या दिन का, तो ड्राइवर इंसेंटिव नहीं देगा। अच्छा ऐसा। जो 50-50 पे है तो उसको तुम 2000 रुपये मतलब 5500 आता है, 5400 आता कर बैठे, तो उसमें से 2000 आई हजार जैसे अपना बात करके रखोगे देना पड़ेगा, उसकी कमाई का गैस काट के आधा देना पड़ेगा। अच्छा, तो भी दिन भर में कितना कमा लेते हैं कुछ एक मोटा तो मोटी? मोटा मोटी तो 2000 अभी हो, अच्छा 2000 हो जाता है। अभी मैं निकाला हूं ना, कितने बजे निकालते हैं सुबह? अभी तो निकाला, अभी निकालो 12 बजे। अच्छा, यही टाइमिंग है 12-1। अब 12 से आप 6-7 की नहीं आठ 10 बजे तक, अच्छा 10 बजे तक आप चलाएंगे। 10 बजे मैं उधर मिलूंगा अड्डे पे, अच्छा, तो उधर से वो लेके जाएगा। फिर वो आएगा नहा धो के खा पी के आराम, सो फिर के, गाड़ी वो चलाएगा। हाँ सही है। ले लो ठीक है। तो ये क्या है ना, सबसे बड़ा आज का पॉइंट है ड्राइवर। ड्राइवर तो नहीं मिलता, हाँ तो वही, ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं मिलेगा ना तो ये गाड़ी खड़ी करके भी कोई मतलब होगा। मैं सुना खुद से जब तक नहीं चलाओगे तब तो मतलब नहीं, ऐसा है। खुद से चलाओ या मत चलाओ, लेकिन लेकिन ड्राइवर ड्राइवर की आपकी कैपेसिटी है, आपके अंडर में ड्राइवर है। अब तो मान लो आपको डेली ड्राइवर जा रहा है, तो अगर 450 दिन वाला देगा, 450 रात वाला, तो 900 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 3 27, 300 दिन चलती है 27। तो 27000 इधर से हाँ आया। ठीक है, बाद मेंटेनेंस और ये निकालने के बाद अभी फिर 27000 इधर से आया, अगर वही बात है ड्राइवर चलेगा तब डेली डेली, अभी वो 2 दिन नहीं गया, वो भी छुट्टी तो करते ही है ना। अभी मान लो चलो दो ड्राइवर है,
सकते हैं, एक कर रहा है तो भी आदमी मैनेज कर लेगा, लेकिन सही है। हाँ कोई कोई है जर्सी कर ले रहे थे का, एक हफ्ता गायब हो जाएगा, वो घर भाग जाएगा, ये भी है। है ना। वो क्या दाल रोटी का आ गया, 4 दिन खड़ी नहीं आई, तो ईएमआई और सब कुछ नहीं, सर्विसिंग सब आएगा ना। मेंटेनेंस होगा, देखने का पंचर हुआ उसको बनवाने का, धुलाई कराने का, पेट्रोल डलाने का, सही है। वो साल में डॉक्यूमेंट को स्टफिंग कराने के लिए इंश्योरेंस वगैरह। तो है। ड्राइवर नहीं मिला, गाड़ी नहीं चली, तो फिर जेब से जाने वाला सब। तो फिर तुमको लॉस में गए, गिर गए गड्ढे में, हाँ सही है। अच्छा ये रिक्स है बहुत बड़ी। जैसे गाड़ी लड़बड़ जाती है तो वो गाड़ी अपन जब खरीदते हैं तो एक टाइम तो वो 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी रहता है। जीरो डी फॉर्म फर्स्ट पार्टी, हाँ, और उसके बाद वो हो जाता है कौन सा, थर्ड पार्टी हो जाता है। उसके 5 साल करके देते हैं ना वो इंश्योरेंस, कि एक पांचों लाख साल का करके देते हैं। 1 साल करके देता है। अच्छा 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 एक साल आपको कोई दिक्कत होगी नहीं गाड़ी, 1 साल तो वैसे ही चलती गाड़ी है ना, अगर ड्राइवर के भरोसे रहे तो फिर भले थोड़ा। 40,000 किलोमीटर की वारंटी रहती है इसकी। अच्छा 40,000 किलोमीटर अगर गाड़ी पंचर भी हो गई तो हाँ वो कंपनी की जिम्मेदारी, अच्छा पंचर हो गई तो भी वो बना के देंगे, टायर बदल के देंगे। उसके बाद का जो सीन होगा 40 के बाद का, वो इंश्योरेंस पे चलेगा, अच्छा इंश्योरेंस से चले। एक साल इंश्योरेंस रहेगा, एक साल के बाद आपको फिर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अच्छा वो तुम कौन सा कराओगे तुम्हारे ऊपर, थर्ड सही। पार्टी फर्स्ट पार्टी जीरो डी। अभी मेरा एक है वो गांव वाला 21,000 का कराया जीरो 21 हजार डी, हाँ एक लेकिन साल का। हाँ 1 साल का 21 हजार। मगर अभी क्या है, उसकी लड़ेगी तो फिर कंपनी द्वारा, हाँ पूरी गाड़ी बन जाएगी, दिक्कत नहीं। थर्ड पार्टी का भी बना के दे देंगे वो, हाँ मगर फिर आधा पैसा लगता है ना सर, लड़ेगी तो उसमें आधा आधा पैसा। लगाओ, वो जब इंश्योरेंस बनाते हैं ना तो तुम्हारी गाड़ी के वो लगाएंगे कीमत, सही इतनी है। हाँ कीमत की गाड़ी है, इतना खर्चा आएगा तो कंपनी करके देगी, अच्छा 5 लाख 6 लाख जिस कंडीशन में गाड़ी रहेगी, हर साल घटती जाती है ना इसकी कीमत, तो उतना कम का इंश्योरेंस बने। तो सही है। हाँ लोग लेके परेशान हो जाते हैं ना, ड्राइवर के भरोसे रहेंगे और मान लो खुद नहीं चला रहे हैं तो परेशान ही होंगे। सरकार का अपने को तुम्हें फायदा ना सिर्फ मुंबई मुंबई जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग है ना फिक्स करते हैं, फिक्स मतलब उनका है ना ट्रेवल्स के साथ कांटेक्ट रहता है, जैसे पूना का भाड़ा हो गया या नागपुर है या जैसे और भी भाड़े हैं जो ओला तेईस उबेर के साल अलावा मिलता है। में चल रहे हैं ना, तो चले जाएंगे, हमारे पास भी गाड़ी है, अगर कोई मिलेगा भाई को जाना है भाई गाड़ी भेज देते हैं, मगर हर गाड़ी नहीं जाती, अच्छा अभी ये टारगेट वाली गाड़ी चाहिए, इधर हफ्ते में इसको 5,500 चाहिए, हाँ सही है। तो पूना जाके कोई मतलब हाँ नहीं पूना है। जाके मतलब नहीं, इसको तो इसका इंसेंटिव से मतलब है, इसको तो जो टारगेट है उससे मतलब है इसका, कि भाई अभी मेरे को है ना 5500 आना चाहिए। जो अकेला है उसके पास ड्राइवर नहीं है तो उसको चाहिए पूना वाला, लोना वाला, वो सही है। हाँ सही ढाला सुपाड़ा लंबा लंबा, उसको भाई टारगेट मिलना नहीं है, नहीं मिलेगा। अकेला है, कितना मारेगा, 150 मार नहीं पाएगा, तो सही है। लंबा लंबा मारता हूँ भाई ग्रुप में जो अकेले चलता रहता है, जो मेरे गाड़ी देते अच्छा ये ग्रुप का क्या सीन है, एक वो होता है ना जैसे लोग कुछ लोग अकेले गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ लोग किसी ने जैसे 13 गाड़ियां खरीदी भी है उसके साथ वो खरीदते हैं, वो क्या हाँ। सीन है। देखो हाँ अभी जो फोन किया था ना हाँ आलम भाई को जानता हूँ, नहीं आलम भाई सुना है नाम लेकिन ऐसा पहचानता नहीं, किधर वो के है, पहचानती संगम नगर। है, अच्छा संगम संगम नगर जी। है, वो होटल है ना, हाँ अमर होटल माल। उसका अड्डा है, कम अच्छा अच्छा हाँ से कम उसके पास अभी होगी
150 गाड़ी कैसे मैनेज करते हैं? खरीद के बेच देता है ना, अच्छा गाड़ी खरीदना बेचने का। 40-50 तो उसके कुछ भी चलते हैं। अच्छा, हाँ सही है। उसके बाद वो हमें जो लिया है उसी से लिया हुआ। अच्छा तो वो ग्रुप का यही सिस्टम है। मतलब हाँ, अब देखो उसके पास क्या है, ग्रुप है पूरा, हम लोग भी उसी के ग्रुप में चलाते हैं। मेरी तो अकेली है, अकेले में तो ग्रुप बनेगा नहीं। नहीं, ग्रुप में चलाने का फायदा भी रहता है ना। जिसके पास 150-200 गाड़ी अपने नाम के खुद निकाल के चल रहा सही है भाई, बड़ी बात है भाई, है, और दूसरे दूसरे मैनेज की कर भी लिया। अपने ग्रुप में ऐड कर रखा है। सही है। 12 गाड़ी कल लाया, हाँ उसी में से एक मेरे गांव का एक गाड़ी है। अच्छा, तो इनको तो उसके गाड़ियों पे भी मिलता होगा कमीशन। तो वो गाड़ी कमीशन के लिए तो बेचता निकाल के अपने नाम, हाँ सर, क्यों सब गलती रखी है। अभी अपने नाम निकाला, अभी जिसको दिया है वो EMI नहीं भरेगा तो जिसका सिविल हो जाएगा खराब, है ना। सही है। अच्छा इधर नए ड्राइवरों के लिए क्या है, कैसा है ये धंधा नए ड्राइवर? अच्छा ड्राइवर के ड्राइवर आती हूँ, आती हूँ मैं, पाता हूँ तो लेकिन उनके लिए स्कोप है, अच्छा है कि कैसा है मतलब? आदमी का क्या है, कैच करने अगर चलाएगा नया ड्राइवर भी चलाएगा तो ऐसे ही पुराना होते हैं, हाँ सही है। चला देगा ऐसे कोई नहीं। खाली ड्राइविंग अच्छी आती है, थोड़ा बहुत दिन भी चाहता हूँ ना मैं। अच्छा हाँ इंग्लिश का भी इसमें रोल है? अच्छा करो मैं तो मतलब जो कस्टमर वो एयरपोर्ट बुलाता है, वगैरह जाते हैं नहीं बहुत सारे कस्टमर। वो कस्टमर को, कस्टमर से मतलब नहीं होता, कस्टमर से खाली OTP लेने तक का मतलब है। OTP दिया तो हम होते उस घंटे में पहुंचा देगा बात। मतलब बुकिंग का नाम पढ़ने का मालूम होना चाहिए ना, अच्छा कौन जो, से एरिया की बुकिंग है, कहाँ हाँ कौन से एरिया कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। कहाँ है कोई, बुकिंग हाँ कौन कहाँ लेके जाने का, सही है। वो इंग्लिश से लिख के आता ना, हिंदी अच्छा से भी आता लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में जाता। सही है, एरिया का नाम पढ़ना ना, इतना आना चाहिए आपको। हाँ इतना नर्वस थोड़ा तो आना चाहिए। और वो दो बिना इंग्लिश वाले भी चला रहे हैं, हाँ नहीं सही। रीनो वाले भी चलाते हैं, तुम्हारी हाँ पैसा देख के अनुमान लगा लेते हैं कि सामान कहीं दूर का नहीं है, इधर देखा, ही का है कहीं का। हाँ हाँ अनुमान से भी चलाते, वो पैसे से समझ जाते हैं। वो पैसा से ही चलाते हैं, वो ये थोड़ी नहीं समझते कि ये कहाँ की लाइन है। और वो किलोमीटर देख लेते होंगे इतना जा हाँ रहा है। किलोमीटर पैसा समझते, किलोमीटर देखते हैं 20 किलोमीटर जाएगा, पैसा देखते हैं 250 दे रहा, 300 दे रहा। अच्छा तो लेकिन तुम खुश हो अपने इस काम से, मतलब पसंद है ना तुमको कि एक नहीं, अभी फ्यूचर? देखो क्या दूसरे काम में जाऊंगे, इतना पैसा नहीं मिलेगा नहीं। और तुम्हें मतलब ये भी है ना एक कि इसमें क्या है, तुम्हें रोज का रोज कैश मिल रहा है, किसी कैश का ऑनलाइन मिलता रहता, हाँ मिलता रहता, उसमें क्या था महीने में मिलेगा, फिर उसके बाद इतना मिलेगा इतना नहीं। मिलेगा इतना मिलेगा नहीं। मैं ऑलरेडी जॉब किया हूँ, अच्छा 3 साल जॉब करके चला हूँ, क्या जॉब करते थे आप? मैं EMI कंपनी के मोबाइल अच्छा मोबाइल कंपनी है। करते अच्छा, तो तुमने 3 साल किया उसको, कितना हैं, जॉब किया मिलता था उधर? 20,000। अच्छा 20 मिलता था। तो फिर तुमने छोड़ के फिर ये अपना गाड़ी वगैरह डाला, तो अभी जैसे ये है ना उसके बाद से तुमने ये गाड़ी डाला, पहले तुम 20,000 कमाते थे, अभी हाँ इस 25-30 25-30 के अंदर रिजिट जाते थे, कितना भी वहां काम पे चलेगा कितना भी वो करे। हाँ चलेगा, 30 क्रॉस ही नहीं होता कभी भी नहीं, कितना भी वो कभी जो देते थे ना महीने अच्छा, दो और इसमें हजार रहे अगर तुम्हारा जोड़ा जाए कि कितना तुम कमा लेते हो महीने का, बाकी सब तो छोड़ दो ड्राइवर डिपेंडेंट के ऊपर है। सिर्फ। अगर मैं अकेले हाँ चलाऊंगा इसको तो हाँ 50,000, 50,000 ऐसे भी 50 आ ही जाता है। कम से कम, मतलब 50 तो आ ही जाता है ना, हाँ 50 आता है मैं भर के, 30,000 तो अभी मैं बचा लेता हूँ, बच जाता है 3 साल। लेकिन फुल नींद लेता हूँ फुल। हाँ नहीं आराम से, मतलब कोई हाँ ऐसा, प्यार से गाड़ी हाँ प्यार, को वो किस्त गाड़ी के भी बाद। फ्री हो रही है ना उससे। हाँ हाँ अभी मेरा लास्ट में फ्री होके जाएगा, 3 लाख का भी जाएगा, 3,500 सही रहेगा। अच्छा, वो मिला जो विकास ये है कि आपको तो है ना ये लगता है कि अपना गाड़ी है अपना धंधा है वो बेटर है। हाँ हाँ मेरे लिए बेटर, भाई नौकरी से तो अच्छा है, क्या मतलब अपना जब मर्जी निकाले चलाए या चलवाए, हाँ तो
दो पैसा आ रहा है। और यहाँ आप अगर बीमार भी पड़ जाएंगे तो भी ये नहीं है कि पैसा रुकेगा, मान लो आ जाएगा। नौकरी पे हाँ नहीं जाओगे तो पैसा कटेगा, ठीक है। हाँ सर, 1 महीने का छुट्टी था पूरा टोटल, 1 साल में। हाँ 1 साल में 1 महीना छुट्टी मिलता था, लेकिन वो एक साथ नहीं देते होंगे, एक पंद्रह साथ 15 दिन ऐसा। 15-20 दिन नहीं देते, 5 ही नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा लीव के तौर पर। हाँ यही तो प्रॉब्लम तीन दिन 4 दिन दे दो बहुत, है। लास्ट में जो छुट्टी बचेगी ना अच्छा कंपनी चला उसका पैसा जोड़ के दे देगी। जमीन नहीं के दूसरे ईयर में कनेक्ट करते हैं। नहीं करते। अब इसमें तो तुमको अच्छा है, जब मर्जी तब गांव चले जाते हो गए। हाँ, इसमें तो पूरा अपना फुल बिंदास है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो काम ज्यादा गाड़ी निकालता वो भी करते हैं, नहीं देखते। हाँ वो भाई उनकी खुद की गाड़ी वो अलग चलाएगा, और बाकी लोग क्या है कि उनको गाड़ी तो है नहीं, उनको तो बस अपना भाड़ा मारना है, रफ पैसा चलाते हैं। चाहिए हाँ पैसा। रफ। तो अभी एक गाड़ी है कि और भी गाड़ी है आपके पास, नहीं अभी तो एक ही तो और एक कार डालने वाले हो? डालने वाला। अच्छा, अर्टिगा और डिजायर और वैगन आर में से कौन सी ज्यादा सही है? अगर आपको टारगेट में चलवाने 5-5 सौ तो यही चलेगा। वैगनार। और अगर अच्छा डिजायर है तो वो प्राइम भाड़ा देता। प्राइम भाड़े के लिए शिफ्ट जाए, हाँ और अर्टिगा जैसे बहुत सारे लोग अर्टिगा वो भी लेते। इंटरसिटी ज्यादा चलती अच्छा बाहर के लिए जाता रहेगा पूना वापी। हाँ बराबर, तो मिलता है उसको इतना भाड़ा कि हाँ मतलब आपको दो भाड़ा डिपेंड। मार दिए तो हाँ हो गया उनका कुल मिला के, मतलब ये है कि अगर आपको चलानी कैसे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ। कि अगर कोई आपको कोई टारगेट है ड्राइवर है, लोकली चलना है तो आप ये ले लो, अगर आपको देखो अच्छा लोकल स्टैंडर्ड में भाड़ा क्या चाहिए है, किसी तो डिजायर। किसी को पसंद नहीं है ये वाली गाड़ी चलाना। जो ड्राइवर थोड़ा वो है कि हाँ क्या है, अभी 10 बार उठाऊंगा, 10 बार छोड़ूंगा, हाँ 10 तरह के कस्टमर मिलेंगे, सही है। तो उसके लिए अर्टिका बढ़िया है। तो एक बार उठा लो 4-5 घंटा के लिए फुर्सत, चले जाओ लंबा, फिर उधर लेकिन 2-4 घंटा रुको, जैसा है देखो, फिर उठा लो 2-3 हज़ार का। तो बाहर से यहाँ का आने का मिलता है भाड़ा? हाँ बराबर, पूना से इधर जाने का, पूना से आने का वापिस। हाँ ये जैसे उबेर है जो भी भाड़ा बुक होता है उसमें कितना काट के और आपको देता ही है? 20% मार 30% काटता है, उस अमाउंट का 30% काट के आपको देता है। हमेशा फिक्स काटता है, कभी कभी ज्यादा कम भी करता है, और उसका कोई फिक्स नहीं है, डिमांड के ऊपर जैसा है? अच्छा है। आज की डेट में 40-50 हज़ार सैलरी पाना बहुत बड़ी बात है। हाँ नौकरी करके ना। हाँ हाँ नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार बहुत है ना, और दूसरी बात कंपनियां भी, और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनियां निकाल भी रही है ना लोगों को। सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम है, हाँ ठेके पे दे दिया सब। सब वेंडर से काम हो रहा हाँ वेंडर से काम करवाना है, कंपनियों को पड़ता है ना, झंझट मारी नहीं चाहिए उनको भी, है। काम भी क्वालिटी हो रहा है। पूरी हाँ चाहिए है? हाँ वही कर। तुमने मतलब घाट घाट का पानी पी के सब देख लिया फिर तुमने कहा कि नहीं यार अपना ही काम सही है। देता नहीं सही है, तो भी अपना अपना भी है धंधा ना, अपना है चालीस भाई, छोटा पचास हो या हजार बड़ा हो धंधा अपना अपना है। इसमें ग्रोथ है। अभी देखो मैं 2 गाड़ी का मेरा प्लानिंग है, तो नहीं ये 2 निकालूंगा, तो मेरे पास 5 ड्राइवर भी है। सही है, तुम्हारे पहचान में ड्राइवर भी होंगे ही ना। ना ड्राइवर से भी थोड़ा संपर्क बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है उनको भी खुश। हाँ थोड़ा उनको मेंटेन करना पड़ता था कि वो अपने पास ही रहे। हाँ भी थोड़ा चटाते रहो, है ना, साथ जैसा। वो सही भी है, समझे विकास भाई बढ़िया है आदमी है यार, इसी गाड़ी चलाएंगे, नहीं सही है। हाँ उनके साथ लगे रहो। नहीं विकास ये बात तो है, नहीं कहीं आजकल देखो हाथ से अगर, निकल जाएंगे वो भी। नहीं देखो दुनिया है ना इसी पे चलती है भाई, अगर आप किसी को पूछ रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है उसको मान रहे हो, हर आदमी मान सम्मान का भूखा है,
तो वो भी आपका साथ देगा। अब जो ब्रिज आएगा ना वो ऊपर, उसके ऊपर। हाँ लेफ्ट साइड से चलना, मतलब ऊपर हाँ चढ़ने के हाँ बाद लेफ्ट से ही चलना, क्योंकि वहां से ही टर्न करना है। ये अर्टिगा है बाहर से आई हुई। गुजरात की है। हाँ ये आपका भाड़ा बोल रहे, हाँ बुक किया आपने? नहीं उठा लिया मैं तो उठा यही लिया? अभी 10 मिनट हाँ इधर से रिटर्न मारोगे तो आधा घंटा लगेगा 188 रुपए के लिए। सही है। अभी उसको कितना मिनट दिखा रहा है? उसको आपको छोड़ने के बाद आपकी जगह से छोड़ूंगा ना, फिर 1 किलोमीटर उसको ले दे जाना सही है। और बस जाके छोड़ने का देरी में। ये ओबरॉय मॉल है ना, कोकोद्राय वाला भी बहुत आगे है, बड़ी बड़ी दिल्ली कितने बड़े बड़े वाले सब बोल। सही है। जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलते हैं।